बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। देखें, आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की है और जब भी घर में किसी की सालगिरह आए तो ज़रूर आप इस तरह का केक ट्राई कर सकते हैं। देखें, इसमें मैंने कोई शुगर का इस्तेमाल नहीं किया, इसकी जगह मैंने शहद का इस्तेमाल किया है और बटर की जगह मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। वज़न कम करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम हर चीज़ खाना छोड़ दें, सिर्फ चेंज करें और टाइमिंग चेंज करें खाने की, और फिर भी आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा। जब आप 16 घंटे की फास्टिंग करेंगे तो जो आपकी 8 घंटे की विंडो है उसमें आप जो मर्ज़ी खाएं फिर भी आपका वज़न कम होगा। 4 से 5 साल पुराने कपड़े 2 से 3 महीने के अंदर आपके बिल्कुल फिट हो जाएंगे और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरह आपका वज़न कम हो रहा है। जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपका वज़न ज़्यादा हो गया और हमें मालूम ही नहीं चलता कि किस तरह वज़न एकदम ज़्यादा हो जाता है, और हमें जब अंदाज़ा होता है जब हमारा कपड़ों का साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज हो जाता है, तो जो लोग चाहते हैं कि एक्स्ट्रा लार्ज से वो वापस मीडियम पे आ जाएं तो वो ज़रूर 16 घंटे की फास्टिंग करें और देखते ही देखते वो देखेंगे कि बहुत जल्दी बहुत आराम से बगैर डाइटिंग के बगैर ग्रीन टी के उनका वज़न वापस आ जाएगा, हर चीज़ उनकी कम होना शुरू हो जाएगी। तो ज़रूर आपने मेरी रेसिपीज़ ट्राई करनी है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखें, इसके लिए मुझे शहद चाहिए जो कि 100 ग्राम है, यानी आधा कप के करीब मैंने इसके अंदर शहद का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है जो कि मैं इसके अंदर हाफ कप यूज़ कर रही हूँ। इसको भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी अगर ये बहुत बड़े साइज़ का बना था देखें तो मैंने फिर इसको थोड़ा हाफ कप यूज़ किया, अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल सा बनाना चाहते हैं तो फिर और 1/4 कप तेल भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा देखें, 5 मैंने अंडों का इस्तेमाल किया है, छोटे साइज़ के थे, अगर बड़े साइज़ के अंडे तो फिर 4 ले लें आप। और इसके अलावा देखें, मैंने 1/3 कप इसके अंदर कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा देखें, मैंने 100 ग्राम ही इसके अंदर मैदे का इस्तेमाल किया है, तकरीबन 1 कप बनता है ये, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया है और 1/2 टीस्पून मैंने सोडा ऐड किया है। ये आपने बहुत एहतियात से ऐड करना है, सोडा और बेकिंग पाउडर। और देखें, इसके अलावा देखें, मैंने 5 अंडे ले लिए हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर देखें, मैं शहद ऐड कर दूंगी, ये बहुत एक अच्छे टेस्ट के बनता है, बहुत मज़े का, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। और फिर देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, इतना आपने इसको अच्छी तरह बीट करना है एग बीटर से कि इसको बहुत अच्छा सा इसके अंदर फोम एक हो जाए। और इसका देखें, जब कलर चेंज हो जाएगा देखें इस तरह का, तो फिर आप इसको इसके अंदर, फिर मैंने देखें तेल ऐड किया है जो कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। सिर्फ और सिर्फ रेसिपीज चेंज करें और उसका टाइम चेंज करें खाने का, तो फिर भी देखेंगे आपके आराम से आप हर चीज़ इंजॉय कर सकते हैं। बस बाहर से जो बाहर के खाने हैं, पिज़्ज़ा बर्गर, ये आपको कम करने होंगे, बल्कि काफ़ी कम करने होंगे। हफ्ते में बस एक दफ़ा खाएं आप, और बिल्कुल जब आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका 16 घंटे की फास्टिंग से वज़न कम होगा तो आप खुद इस पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। तो बस देखें, अब मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया है। इसके बाद देखें, मैं इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करूँगी जो कि 1/3 कप है, और फिर इसके अंदर मैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। बेकिंग पाउडर मैं दोबारा बताना चाहूँगी आपको, 1 टीस्पून है, और बेकिंग सोडा जो है वो 1/2 टीस्पून है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बहुत एहतियात से आपने ऐड करना है, और अदरवाइज़ क्रैक आ सकता है अगर सोडे का इस्तेमाल आपने ज़्यादा कर दिया, इसलिए 1/2 टीस्पून से ज़्यादा ऐड नहीं करना। इसके बाद देखिए, मैंने मैदा भी ऐड कर दिया है, बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दिया है, बेकिंग सोडा भी ऐड कर दिया है। अब मैं देखिए मिक्स कर रही हूँ, और अब आपने हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आप चाहते हैं बहुत फ्लफ़ी सा आपका बहुत सॉफ्ट सा केक बने, तो आपने हाथ अच्छी तरह धो के और फिर देखें इस तरह मिक्स करना है आपने। एग बीटर बिल्कुल भी इसके अंदर यूज़ नहीं करना इस वक्त, और ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपको दिखाना है ज़रूर ये मैंने स्टेप, कि बहुत फिर फ्लफ़ी सा बनता है। और देखें, अब ये हमारा बैटर रेडी हो गया, देखें इस तरह का होना चाहिए। इसके बाद मैंने इसके ऊपर सिंपल हल्का सा तेल लगा लें आप पैन में, और फिर उसके बाद हल्का सा डस्ट किया मैंने इसके ऊपर मैदा, और उसके बाद मैंने सारा इसके अंदर बैटर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा उसको आप टैप टैप कर लें, और फिर उसको मैंने 170 पे आपने 30 मिनट के लिए बेक कर लेना है, जो कि बहुत एक देखें हाफ नज़र आ रहा है आपको बैटर, लेकिन ये फुल हो जाएगा। देखें, बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ही मज़े का बना था, तो ज़रूर रेसिपी ट्राई करनी आपने, और मेरे साथ मिलके इस तरह की रेसिपीज ट्राई करके अपना वज़न तेज़ी से कम कर लें आप लोग भी नए साल से पहले पहले। अब देखें, बहुत ही अच्छा हमारा केक क्रैक फ्री केक रेडी हो गया। इसके बाद मैंने देखें वाइट चॉकलेट ली है, और मैं इसको गर्म पानी में रखना चाहें या ओवन में या फिर चूल्हे पर हल्का सा इसको आप मतलब इस तरह कर सकते हैं कि बहुत सॉफ्ट सी बस ये रेडी हो जाए। इसके बाद मैंने थोड़ी सी देखें इसके ऊपर ऐड किया, ये आपको बहुत ब्राउन केक लग रहा है क्योंकि ये ब्राउनी केक है,
जो कि बहुत डिफरेंट सा और बहुत मज़े का लगता है, ख़ासतौर पे बच्चों को बहुत पसंद आएगा। बस थोड़ी सी वाइट चॉकलेट ऐड कर लें आप। इसके बाद देखिए मैंने ब्राउन चॉकलेट ऐड किए, कोई भी डार्क चॉकलेट ले लें, थोड़ा सा उतना मैं उसके अंदर मैंने मक्खन ऐड करना चाहें ताकि अच्छी सी लुक आ जाए उसके ऊपर। इसके बाद कुछ स्प्रिंकल्स हैं, देखें जो भी आपको ज़रूरी नहीं, आप इस तरह के स्प्रिंकल्स जो भी आपके घर में मौजूद है चाहें तो ड्राई फ्रूट वगैरह से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और मैंने देखें चॉकलेट ऐड कर दी है और बच्चों से मैंने फिर अच्छा सा डेकोरेट कर दिया था उन्होंने, तो बस देखें फिर इसको आप फ्रिज में रख दें। मैंने रात के वक्त बनाया ये क्योंकि अगले दिन हमारी सालगिरह थी बच्चों की, तो बस फिर कोई भी देखें इस तरह का आराम से मिल जाता है। ये कभी केक वगैरह आते हैं घर में तो फिर इस ये वाले बॉक्स रख लिया करें और फिर देखें आराम से काम आ सकते हैं इस तरह। और अब मैं फ्रिज में रख दूंगी इसको और नेक्स्ट डे आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगेगा। ये देखें ये नेक्स्ट डे है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा केक बना था, सबको ही बहुत अच्छी लगी थी रेसिपी, बहुत सॉफ्ट सा और अदरवाइज़ हम जो नॉर्मल केक खा रहे होते हैं चॉकलेट के उससे बिल्कुल अलग टेस्ट है इसका। और देखें चॉकलेट अच्छी तरह सेट हो गई है अब और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और खाने में बहुत अच्छा था, तो ज़रूर आपने रेसिपी ट्राई करनी है। और मैं भी आपको कट करके दिखाऊंगी कि कितना सॉफ्ट सा केक है और इस तरह का केक है कि अगर आपने एक बार ट्राई किया तो आप ये केक बार बार ट्राई करेंगे। और ज़रूरी नहीं आपके ये वाला शेप बनाएं, कोई भी आपके घर में मौजूद है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह ये सॉफ्ट सा केक रेडी हो गया है, बहुत मज़े का केक था ये। और मैं आपको बताई थी कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये केक इस शेप का बनाएं, कोई भी शेप आप बना सकते हैं। और देखिए कितना सॉफ्ट सा केक है, ये पहले दिन की वीडियो है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखें ये नेक्स्ट डे की वीडियो है और काफ़ी दिन तक केक बिल्कुल सही रहता है फ्रिज में, एक हफ्ते तक इस तरह का केक जब भी आप चाहें खाना, थोड़ा सा आप उसको माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं और आराम से इंजॉय कर सकते हैं या रूम टेम्परेचर पर लेके आएँ और फिर इंजॉय करें चाय के साथ, तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। एक पीस आप खा लें, बस कोशिश करें कि चाय के साथ आप एक पीस खा सकते हैं, जो कि आप जब स्ट्रेस फ्री अपने माइंड को करेंगे जब भी आप याद रखें कि आपका वज़न कम होगा, और 16 घंटे की फास्टिंग करके आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कितनी तेज़ी से आपका वज़न कम होगा और देखते ही देखते आपको 4 से 5 साल के पुराने कपड़े आ जाएंगे। तो ज़रूर आप ये रेसिपी ट्राई करें। और इसके अलावा मैं आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर करूंगी कि हर महीने एक महीने में 5 kg वज़न किस तरह कम होता है और एक साथ मतलब आपके बाजू टांगे कमर गर्दन हर चीज़ कम होना शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ज़रूर आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको अपनी रूटीन शेयर करूंगी, वो भी आप ज़रूर वीडियो देखिएगा और उस पर अमल करिएगा, तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपका वज़न तेज़ी से कम हो जाएगा। और बताएँ आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। सबका देखने का बहुत शुक्रिया।